Hi everyone. Good afternoon to all. How are you all? Doing good? Some of you have met, some of you I haven't. So you've listened to everyone here. Please excuse me for the bad throat. So you've listened to everyone here. I'm sure that you've gained so much from everyone. So yahan pe baith ke I was just contemplating ki kuch to chhod do yaar. Mujhe bhi bolna hai. मुझे भी बोलना है एंड देन आई एंड अप थिंकिंग एंड आई रियलाइजिंग दैट यू नो मोस्ट ऑफ अस हु लैंड अप विद गुड मार्क्स गुड रैंक्स मोस्ट ऑफ अस डू सिमिलर थिंग्स व्हेन वी स्टडी यू नो व्हेन खान सर वाज टेलिंग अस अबाउट यू नो आंसरिंग ऑडिटिंग द आंसर एंड व्हेन हिमांशु सर अंकुर सर वाज टेलिंग यू अबाउट यू नो हाउ यू हैव टू एड अप सम थिंग्स इन द आंसर दोज आर द थिंग्स विच आई ऑल्सो से And those are the things which I also did. So I would just tell you, you know, through I just take you through my one study day, how it was. Many a times we know how to write answers, we know what books to read, we know our materials, but we are unable to capture our day. So we have one single day, and that is our sprint. देखिए एक बात clear है, UPSC marathon है. मैराथन है क्योंकि प्रिलिम्स है उसके बाद यू क्वालिफाई फिर मेंस है फिर पर्सनालिटी टेस्ट है एक साल की तो पूरी एग्जाम है और उसके पहले इफ़ यू प्रिपेयरिंग फ्रॉम वन ईयर सो यू हैव अ मैराथन बट योर एवरी सिंगल डे इज़ अ स्प्रिंट हर दिन तेज भागना है सो टू स्ट्रक्चर योर डे इट्स वेरी इंपॉर्टेंट सपोज फॉर द पीपल हु हैव डन देयर प्रिलिम्स एंड हु आर नाउ गोइंग टू अपियर फॉर मेंस और फॉर द वंस हु विल बी अटेम्प्टिंग प्रिलिम्स नेक्स्ट ईयर अपने दिन को कंट्रोल करना बेहद ज़रूरी है यू नो फर्स्ट ऑफ ऑल जस्ट फाइंड आउट कि आपका टाइम जाता कहाँ है मेनी अ टाइम्स वी डोंट नो टाइम जस्ट फ्लाइज वेन टू द क्लास गिवन द टेस्ट खत्म खाना खाया थोड़ा एंटरटेनमेंट किया एंड इट्स डन ऐसा मत होने दीजिए जस्ट कंट्रोल योर डे फाइंड आउट कि एवरी सिंगल डे व्हाट्स हैपनिंग इन माई डे ओके एंड इन दैट डे यू हैव टू स्ट्रक्चर इट लाइक आई यूज टू स्टार्ट विथ रीडिंग द न्यूज़पेपर थोड़ा सा यू नो बूस्ट ऑफ द डे हो जाता है सो स्टार्टेड विथ रीडिंग न्यूज़पेपर एंड देन थोड़ा सा उससे नोट मेकिंग किया एडिटोरियल से देन आई मूव्ड ऑन टू द स्टैटिक पोर्शन एंड आई केप्ट वन पर्टिकुलर सेट ऑफ माई डे फॉर आंसर राइटिंग सी एवरीथिंग व्हेन आई इफ यू गो थ्रू माई मार्क्स आई गॉट लाइक 417 GS एंड अ लिटिल बिट डिसेंट इन सोशियो एज वेल आई थिंक एंड बट इफ यू गो थ्रू माई प्रिलिम्स मार्क्स आई स्कोर्ड 104 विच वॉज जस्ट लाइक 6 मार्क्स मोर देन द कट ऑफ सो तीन क्वेश्चन आते हैं एंड आई वुड नॉट हैव बीन हियर लेकिन एक चीज जिस पे आई हैड कॉन्फिडेंस दैट वाज आंसर राइटिंग एंड आई न्यू दैट मेंस वाज अ थिंग जहाँ पे आई कैन स्कोर गुड इट्स एक्चुअली गुड टू जॉइन अ टेस्ट सीरीज बिकॉज इट हेल्प्स यू स्ट्रक्चर योर इन्फॉर्मेशन इन वन प्लेस सी व्हेन वी डोंट स्टडी लाइक वील गिव फर्स्ट डीएस वन देन टू देन थ्री देन फोर एंड वी डोंट स्टडी लाइक हिस्ट्री ज्योग्राफी और समटाइम्स वी स्टडी हिस्ट्री समटाइम्स पॉलिटी इंटरनल सिक्योरिटी एवरीथिंग इज वॉच्ड अप सो व्हेन यू गिव अ टेस्ट सीरीज You know ki in a fortnight you will have to write a test on these many topics. So aapka pura information would be condensed on ek. To aap 15 din pehle maan lijiye 15 din ka gap hai har test mein ya 10 days ka gap hai. Wo 10 days ko just plan judiciously ki every day main us particular test ko kaise cover karunga ya karungi. Us aapka kya hoga pura information us test ka ek jagah pe arrange ho jayega. And that is something which will help you in the final exam. So test series are extremely important. Writing answers is very important. And while we are writing answers, they say all of the ones who spoke, they talked about how to add value to your answer. कैसे enrich करना है? जैसे diagram है ना, flow chart बताया कितना अच्छा flow chart बताया poverty पे. एक flow chart बनाया पूरा poverty खत्म हो गया. At least एक basic level हमने explain कर दिया. फिर उसके बाद डिमांड ऑफ द क्वेश्चन के हिसाब से हम पॉवर्टी को इलैबोरेट कर देंगे कि एग्जैक्टली इसमें पूछा क्या है ठीक है तो ऐसे फ्लो चार्ट्स देन यू हैव फैक्ट्स यू नो टाइम एंड अगेन यू कम अक्रॉस फैक्ट्स इन द न्यूज़पेपर समवेयर एल्स अभी द इकोनॉमिक सर्वे इज आउट इकोनॉमिक सर्वे इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स आई एम टेलिंग यू द बजट द इकोनॉमिक सर्वे स्ट्रेट फॉरवर्ड यू कैन हैव सम कीवर्ड्स फ्रॉम द इकोनॉमिक सर्वे एंड कोटेड इन योर आंसर्स एंड यू कैन जस्ट राइट अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिक सर्वे दिस इज समथिंग Like when we studied the last year's economic survey, there was something called as the fertility stopping rule to explain the preference of male child. अभी किसी को कुछ नहीं पता है. Just note that word from the fertility stopping rule from the economic survey and substantiate your point in women's issues. एक impact उससे ये जाता है कि the one who's giving the paper he is in touch with the contemporary reality, and that is why you know.
आपके प्रिलिम्स के नोट्स या प्रिलिम्स के एग्जाम्पल आपको मेंस में हेल्प कर सकते हैं. एनीथिंग दैट यू आर रीडिंग फॉर दैट ईयर्स प्रिलिम्स, कुछ स्टैटिस्टिक हम पढ़ेंगे, वी रीड सम कमिटी विच इज कमिंग आउट विद सम काइंड ऑफ रिपोर्ट, दैट नोट्स यू कैन यूज इट इन योर आंसर टू सब्सटैंशिएट योर पॉइंट, योर वैलिडेट योर आर्ग्यूमेंट. एंड माइंड यू, लाइक वन पर्सन आस्क्ड है ना, आपने पूछा कि कितना बनाए, ये भी बनाए वो भी बनाए. सी ऑल ऑफ दिस इज सॉल्ट. सॉल्ट को क्या कहते हैं? स्वादानुसार. तो स्वादानुसार उतना ही इस्तेमाल करें जितना उससे स्वाद बढ़े. ऐसा नहीं पूरा सॉल्ट डाल दिया, कंटेंट ही नहीं लिखा. तो दैट इज़ योर सॉल्ट ऑफ योर आंसर. उसको बहुत ही लिमिटेड पर्सपेक्टिव में आपको यूज़ करना है अपने आंसर में, एंड दैट रियली एनरिचेज योर आंसर. दूसरी चीज़, यू हैव टू गेट अ टेस्ट सीरीज़ कहीं पे भी. यहाँ पे यू हैव टेस्ट सीरीज़, आई जॉइंट यहाँ पे टेस्ट, तो इवेल्युएशन अच्छे से होता है, एवरीथिंग इज़ डन. टेस्ट लेंगे उससे फ़ायदा होगा. कीप राइटिंग आंसर्स, डोंट हैव एन इनर्शिया ऑफ आंसर राइटिंग. एंड लास्टली, जस्ट टू सम अप एवरीथिंग, से मुझे ऐसा लगता है कि इस एग्ज़ाम के दो पार्ट्स हैं. सी, वन इज़ वॉट वी आर रीडिंग, वॉट वी आर स्टडिंग, मटीरियल है, ये है. This is all the things that we do, everybody does. But there's another aspect, and that is the psychological aspect. See, every one of us is fearful. Anybody, I'm standing here, mujhe nahi pata tha ki I'll be standing here last year. So we are all having our doubts, we all have our fears, but even in those moments, you have to keep pushing yourself. And aapko push karenge aapka target achievement. हर दिन का आप एक टारगेट बनाइए कि इस दिन मुझे ये करना है. रात को जब आप उस टारगेट पे एक छोटा टिक लगाएंगे ना, तो लगेगा आज का दिन अच्छे से पढ़ाई की है, एंड दैट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस. सो कीप अचीविंग दोज लिटिल स्मॉल टारगेट्स ऑफ योर डे, कीप वर्किंग हार्ड, कीप योर सेल्फ मोटिवेटेड. आई ऑलवेज से एंड अगेन से यू टेल यू दैट दिस एग्जाम वुड नॉट ओनली अलाउ यू टू चेंज योर ओन लाइफ, बट इट विल अलाउ यू टू बी इन अ पोजिशन वेर यू विल बी एबल टू चेंज अदर पीपल्स लाइफ. Okay, so you're preparing for a big exam, have that motivation in your mind and keep working hard. All the very best to you, my heartfelt wishes to you. Thank you so much. Thank you.